आज सुबह तुर्की भूकंप के तेज झटकों से हिल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 थी और जिससे भूकंप से दक्षिण पूर्व तुर्की में भारी नुकसान हुआ। तुर्की में भूकंप आने की वजह से इमारतें जमीन दोज हो गई। तुर्की में भूकंप आने की वजह से 80 से ज्यादा लोगों की जान गई। तुर्की में भूकंप आने की वजह से कई इमारतें जमीन दोज हो गई। ऐसी ही एक इमारत भूकंप की वजह से खंडहर बन गई जिसके मलबे में लोग फंस गए। तुर्की के कई शहर भूकंप की वजह से तबाह हो गए तो कई लोग मलबे में दब गए और जिसके बाद अलग अलग शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तुर्की में भूकंप के वक्त की तस्वीरें सामने आई जो दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जमीन पर धड़धड़ाकर गिरने लगा। तुर्की में भूकंप के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई जहां कई इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं, तो वहीं उन इमारतों के मलबे में कई लोग फंस गए जिनको मलबे में लोग ढूंढते दिखे। तुर्की में भूकंप आने के बाद गैस पाइपलाइन फट गई जिसमें आग का गुबार भी देखने को मिला, जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया। तुर्की में भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस वीडियो से लगा जिसमें एक्वेरियम में रखे पानी में जोरदार उफान देखने को मिला जो फिर और ज्यादा तेज होता चला गया। तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए जिससे सीरिया में भी तबाही देखने को मिली। सीरिया में भी भूकंप आने की वजह से कई इमारतें तबाह हो गई और जिसके मलबे में लोग फंस गए। इस दौरान लोगों को मलबे से निकालने का काम लगातार जारी है।